प्रयागराज के नैनी इलाके में आज एक सनसनीखेज वारदात हुई। एक सिरफिरे युवक ने घर को अंदर से बंद करके अपने पिता और बूढ़ी माँ को गोली मार दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो युवक ने घर के अंदर से कई राउंड फायरिंग कर दी। देखते ही देखते इलाके में बात फैली और उस घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने काफ़ी मेहनत के बाद लड़के के घायल माँ बाप को अस्पताल भेजा। उसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को काबू करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक मानसिक रूप से बीमार है और किसी बात से नाराज होकर उसने ये घटना की। जहां आज हम लोग खड़े हैं, ये थाना नैनी क्षेत्र में पड़ता है और यहां पर लालचंद जायसवाल जी का मकान है। वहां पर आज सूचना मिली कि उनके लड़के रितेश ने गोली चलाई है और काफ़ी फायरिंग की है और उसने अपने आप को बंद कर रखा है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुँची। सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें, स्वाट टीम है, सभी यहाँ पहुँची। साथ ही साथ जो घायल थे मजरूब, उनको दो लोगों को गोली लगी, इसमें लालचंद जी और उनकी पत्नी को गोली लगी। दोनों को जो है इलाज के लिए SRN में भर्ती कराया गया है। दोनों की कंडीशन अभी फिलहाल खतरे से बाहर है। नेक्स्ट चैलेंज था कि जो आरोपी है जिसने गोली चलाई थी, लालचंद का लड़का, उसको पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से जिस असलहे से, लाइसेंसी असलहे से फायर किया गया था, उस असलहे को बरामद किया गया है। खाली कारतूस और जिंदा कारतूस, इसको बरामद किया गया है। अब आगे की विधि कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। असलहा किसके नाम से लाइसेंस था? ये घर का लाइसेंसी असलहा था, उनके पिता के नाम से लॉटेड था। अभी तक हमें 7 खोखे वहाँ पे मिले हैं। अभी हमारी फॉरेंसिक टीम और भी डिटेल में तलाशी लेगी। और 8 जिंदा कारतूस यहाँ से मिले थे। जो घटना के पीछे का कारण अभी डिटेल पूछताछ से पता चलेगी, आप लोगों को अवगत कराया जाएगा।